जय श्री राम दोस्तों, आज के जो पहले अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये अपडेट ही ऐसी है जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी वाली खुशी की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को हटाने के लिए लड़ाई झगड़े तक हो गए थे उसी हाईवे पे। ये आपने मज़ार देखी थी, ये मज़ार काफ़ी लंबे समय से हर कोई कह रहा हटाओ हटाओ, क्योंकि इसकी वजह से जाम भी लगता है, एक्सीडेंट भी होने का खतरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हाईवे पे है। तो इस चीज़ को लेकर कई बार रिपोर्टर वहाँ पे ही पहुँचे थे, तो वहाँ पे पता नहीं कोई डीएसपी पीएसपी कोई था, शायद पुलिसकर्मी था शायद, हाँ, जो वहाँ पे झड़प भी हो गई थी और जो रिपोर्टर था हिंदुत्ववादी उसको भगा दिया गया था। तो फाइनली अब जो है इस मज़ार को हटा दिया गया है इतने लंबे समय के बाद। तो अच्छी बात है कि भाई सुनी तेरा दुरुस्त आए, पहली अपडेट ये थी। दूसरी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं ये अयोध्या का है, अयोध्या का दिया बन रहा है। ये दिया इतना विशाल बन रहा है कि इसको बनाने में लगभग 1 साल हो चुके हैं, अभी बन ही रहा है फिलहाल। इस दिए की मिट्टी को जो है काफ़ी अलग अलग देशों से भी लाया गया है, अलग अलग जगह से लाया गया है। पाकिस्तान के अमलाज माता मंदिर से भी मिट्टी लाई गई है। इस दिए को जो है रामनवमी के दिन प्रज्वलित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे जो इतना बड़ा दिया दिख रहा है तो इसमें तेल कितना आएगा, तो 10 लाख टन, 10 लाख टन तेल आएगा इसके अंदर। दूसरी भी अपडेट राम मंदिर से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि राम मंदिर को बनवाने के लिए कई संतों ने अपनी ऊर्जा लगाई है, कई संत खत्म भी हो गए, कई युवा खत्म हो गए। इसी बीच में जो सबसे प्रमुख नाम है वह है महंत नृत्य गोपाल दास जी का। इनकी उम्र जो है 85 साल हो चुकी है। जब 92 में बाबरी ढांचे को गिराया गया था तब इन पर भी मुकदमा चला था। ये एक वो शख्स हैं जिन पर मुकदमा भी चला था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो चेहरा जो कि सभी के सामने से गायब हो चुका है, इतना महत्वपूर्ण चेहरा सबके सामने लाना चाहिए, ज़रूरी है। तो मुझे अच्छा लगा मैंने आपके सामने ये खबर रखी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। राम मंदिर निमंत्रण को लेकर मैंने कई सारे आपको खबरें बताई थी कि किस किस को निमंत्रण गया। कुछ ऐसे लोग जो कि मुझे पसंद नहीं थे, जैसे कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, चलो ठीक है नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो विरोध किया, बाकी पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ नेताओं का भी ऐसे ही था नाम, जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनका भी ऐसा विचार चल रहा है कि पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग को बुलाया जा रहा है, तो देखिए अगर ऐसे ऐसे लोग को बुलाया जा रहा है जिन्होंने गोली तक चलवाई थी कार सेवकों पे, तो कोई नॉर्मल सी तो बात होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से इनको बुलाया जा रहा होगा। लेकिन इसी बीच में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आलोक कुमार जी ने निमंत्रण दिया था अखिलेश यादव को। अखिलेश कहता कि मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग थे। अब तुझे निमंत्रण से लेना देना है या कौन लोग थे कि ये तुझे इसके लिए सीबीआई बैठानी पड़ेगी? 1990 में जो कांड किए गए थे थोड़ा प्रायश्चित करने का मौका मिल जाता, लेकिन तुम लोग नहीं समझ में आएगी ये बात। ठीक है, मतलब इनको लेकर ये खबर थी कि इनको निमंत्रण मिला है लेकिन ये भाई साहब जाएंगे नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि इनको मालूम होगा कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या पता मोदी जी तो वहाँ जाएंगे, स्पीच भी देंगे, क्या पता बीच में ये भी स्पीच देने लग जाए कि कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हो सकता है कि इनको ऐसा लगने लग जाए कि जलील करने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं गए, वेरी गुड। अब जो आपको मैं खबर देने वाला हूँ ये सबसे बड़ी और ऐसी खबर आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी। ये सच बात है कि आपने कभी भी जिंदगी में नहीं सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। मैं आपको सुनाऊंगा भी दिखाऊंगा भी। क्या आपने अभी तक, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अभी तक जीजस से बात करी है, क्या आप जीजस से बात कर सकते हैं? तो कई ईसाइयत को मानने वाले कहेंगे भाई क्या मजाक कर रहा है यार, ये सारी चीज़ें छोड़ो। हाँ, लेकिन दिल से याद करो, सुनते हैं, तुम्हारी मनोकामना जो है वही पूरी करते हैं, कई ईसाइयत को मानने वाले ऐसा कहेंगे। लेकिन ये बात फैक्ट है और सच भी है कि जीजस से आप बात कर सकते हैं, मन से नहीं, कॉल पे डायरेक्ट। क्या बात है, सब कुछ बताइए, कॉल पे, बिल्कुल सच बात सुन रहे हो आप कि कॉल पे ही बात कर सकते हैं। मैं आपको अभी सुनाऊंगा भी दिखाऊंगा भी, 50 रुपये में, लेकिन केवल 3 मिनट है। और नंबर ये है, नंबर भी आप लिख लीजिए। बाकी हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो ये बात करते हैं ना वो इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैंने कॉल सुनी थी उसमें इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सुनाऊंगा भी दिखाऊंगा भी, तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सुना भी देता हूँ। जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ ये वीडियो है वो वाली, ठीक है, जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ
ये पूरा वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, कॉल है वो आपको सुना दूंगा कि क्या बात करी इन्होंने। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जो ये कहते ना यू योर फैमिली गेटिंग रेस्ट टुडे, तो ये जो है ये जीसस बोलते हैं इंग्लिश में भाई, बात करते हैं वो। तो जिनको ये पूरा कॉल सुनना है कि क्या बात हुई थी, या फिर जो ये पास्टर हैं, पास्टर क्या क्या बात बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं जा करके। तो मतलब आपकी मनोकामना भाई पूरी होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपको ऐसे हाथ जोड़ के प्रे करने की शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये पास्टर है। पास्टर का नाम सुनिए, राम बाबू। पास्टर का नाम भी है राम बाबू। बताओ माँ बाप साले क्या क्या सोच के नाम रखते हैं, लेकिन मट्टी पलीत कर देते हैं लोग। कोई माँ बाप के बारे में 1% भी नहीं सोचते हैं, कहाँ से कहाँ घुस जाते हैं नाम की। भाई नाम तो चेंज कर लो यार, नाम अच्छा नहीं लग रहा है, नाम की तुम बेइज्जती कर रहे हो, नाम चेंज कर लो। तो ये राम बाबू का पूरा वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, क्या बात हुई है इनकी। और हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो कोई भी जीसस से बात करना चाहता है इनके पास जाइए एक बार, थोड़ा थोड़ा कॉन्टैक्ट करिए यार। नंबर कैसे आपको मिला, कहाँ से मिला नंबर। जैसा कि हम सभी लोग कार सेवकों को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जितना उनके लिए कहा जाए करा जाए उतना कम है। लेकिन भाई एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहता है कि जो मौजूदा सरकार ने करा था कार सेवकों पे जो गोली चली थी, ठीक था वो, जो उनका कर्तव्य था वो उन्होंने किया, मतलब ठीक था वो। ये है स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो कहता हूँ कि इनको भी राम मंदिर का न्योता देना चाहिए और बारिश कई जूतों की माला पहना कर तपा तप लगानी चाहिए इन पे। बाकी आपकी क्या राय इस मामले में ज़रूर बताएं। जो और सुअर हैं जो फालतू में टट्टी में चबर चबर मुँह करते रहते हैं, कब तक इनका पेट भरेगा, कब तक ये टट्टी खाएंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, ज़रूर बताएं। बाकी जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रख रहे हैं बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय श्री राम।